This is NDTV. And you're watching Classics. Born on the 28th of February 1972 in Mumbai to Kiran and Mahesh Bhatt, Pooja Bhatt was brought up in an environment that encouraged her to develop her talent without any restrictions. Her biggest influence was her father, filmmaker Mahesh Bhatt. Pooja's biggest challenge was to carve out her own identity and not be just known as Mahesh Bhatt's daughter. Shukriya ki sabhi darshakon ko. Pooja Bhatt ka namaskar. पहले तो मैं उस शख्स को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो मेरी ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट शख्स हैं. इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा शीशा दिखाया है, हमेशा ये सिखाया है कि बी ट्रूथफुल एंड बी फियरलेस बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ डिविनिटी एंड नॉट अ सिन. ये मैंने सीखा है अपने पिताजी से, महेश भट्ट से, और उन्होंने मुझे ताकत दी है कि मैं ऐसे रास्ते पे चल सकती हूँ खुद के पैरों पे, खुद के बलबूते पे. एंड फॉर दैट आई एम इटर्नली ग्रेटफुल. आई थिंक कि जब जिस्म के दौरान आपने मुझे कहा था कि व्हाई आर यू फ्राइटेंड ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी इस वक्त बाहर जाओ और अपने एक्टर्स को कह दो कि यू आर डायरेक्टिंग दिस मूवी, और मैंने कहा कि नहीं, आई एम नॉट रेडी. एंड उस समय आपने मुझे एक चीज़ कही थी और आपने कहा कि यू नो, तुम सपने तो देख लेती हो मगर उसे पूरे करने से डरती हो. एंड ऑफ कोर्स आई जस्ट ब्रश्ड इट ऑफ, बट आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट एज यूजुअल. फाइनली जब ड्यू टू येट अनदर आर्ग्यूमेंट मैंने डिसीजन ले ली कि मैं हॉलीडे अपने आप बनाऊंगी, अपनी लिमिटेड नॉलेज के साथ और अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ के साथ, उस समय आपने मुझे मैसेज फिर से भेजा था कि दिस इज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड टू यू. So I just say thank you dad, thank you papa, thank you Bhatt saab for pushing me and loving me every inch of the way, for just helping me to be audacious. Thank you for the roots and the wings and for everything else in between. And am I allowed to say sorry? I'm sorry for all the grief I've given you. I know I've been an extremely difficult person to kind of deal with, quite a handful, magar मेरी पैदाइश ही मुश्किल सी हुई थी, 10 pounds 2 ounces. सो यू नो, सॉरी मॉम, सॉरी डैड, एंड थैंक यू. शांत बच्ची थी, यकीन नहीं होता लोगों को जब मैं कहता हूँ कि शांत थी, चुपचाप रहती थी. मेरे साथ में मैं उसको लेकर हर जगह जाकर जाया करता था. मेरे जो भाई साहब हैं मुकेश भट्ट साहब, कहते हैं कि आप दोनों को देख कर लगता है कि जैसे इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की एक जोड़ी चल रही है. और बहुत एब्जॉर्बेंट, बहुत अब्जॉर्ब करती थी, कहीं पर बच्चों जैसी बात इसमें मैंने कभी देखी नहीं. बायोलॉजिकली हाँ, वो मेरा एक्सटेंशन है, वो जिंदगी का एक्सटेंशन है, जैसे मैं जिंदगी का एक्सटेंशन रहा हूँ. मगर जहनी तौर पर वो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति है, उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी एक दृष्टि है. मुझे कभी उसने एम्बेरस नहीं किया. जो कहते हैं कि भाई उसकी एक अजीब सी एक लाइफस्टाइल थी, बिंदास लाइफस्टाइल थी. क्या बिंदास लाइफस्टाइल थी? उसमें वो ईमानदारी थी कि वो पब्लिक गेज में जैसा जैसी थी वैसे जीते थी. वो हिजाबों में छुपती नहीं थी जैसे दुनिया छुपती है. उसकी ईमानदारी को अगर आप उसको उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो ये मैं ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, बाप हूं उसका. और मैं कौन होता हूं कि जजमेंट पे बैठने वाला, मेरा कौन सा एक ऐसा इतिहास रहा है कि मैंने कुछ ऐसी कुछ मॉडल जिंदगी जी है, या मॉडल जिंदगी किसने जी है? ये जो देख रहे हैं प्रोग्राम उनसे पूछिए कोई मॉडल जिंदगी उन्होंने जी है कि वो पत्थर उठा के मेरी बच्ची पे फेंके. अगर ऐसा आप करेंगे तो पत्थर खाने के लिए पहले उसका बाप खड़ा होगा, जो मैंने किया. A very private person, Pooja's mother Kiran Bhatt has always hated public attention. Even though Pooja has followed and listened to her dad with unrelenting admiration, there is a quiet, intense love between Pooja and her mother. 10 years younger than her, Pooja's brother Rahul has stayed away from the limelight. Pooja dotes on her brother and would always get him gifts whenever she travelled. Apart from these two pillars of strength, Pooja considers her grandmother one of the biggest influences in her life.
She played a character like her in Zak. It was one of Pooja's most satisfying experiences. अब मैं थैंक यू कहना चाहूँगी अपनी माँ को, अपनी मदर को और अपने भाई को, राहुल. मुझे पता है कि वो कभी भी ऑन कैमरा इस मैसेज को ना ही देखेंगे या रिएक्ट इसको देख के रिएक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज शी इज समबडी हू इज एक्सट्रीमली कैमरा शाय. बट थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड, फॉर इम्बाइबिंग इन मी द वैल्यूज दैट यू हैव एंड फॉर हेल्पिंग मी बी हू आई एम टुडे. आपने मुझे सिखाया कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एंड ये भी सिखाया कि एक औरत को अपने खुद की इंसान का इंसान होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मेरे भाई को, क्योंकि वो बहुत ही पेशेंट है मेरे साथ एंड मैंने उसको भी बहुत तंग किया है, ही इज़ अ स्वीट हार्ट एंड यू आर अ स्वीट हार्ट सनी, सो थैंक यू वेरी मच.